36 आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है उस समय मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका सीना 66 इंच का हो जाता है, लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ जब जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है, जब भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपन में लाने की बात आती है, तो आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, आप हमें इंस्टिगेट करते हैं कि भगवान बुद्ध के आदर्शों पे मत चलो। आप देखिए यहाँ सारे लोग जो आए हुए हैं, यहाँ पे मुझे कोई मीडिया वाला नजर नहीं आ रहा है, शायद एक के दुके कहीं पे होंगे मीडिया वाले। मैं मीडिया वाले से भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया वाले भाई, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। मैं इसी जंतर मंतर से रोज क्रॉस करता हूँ, रोज क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ कि जब 5-10 आदमी भी बैठे हुए रहते हैं वहां मीडिया आके कवर करती है, लेकिन हजारों हजार लोग वहां पे जो आए हुए BSNL का हमारे साथी, ये फर्क की बात है। साथियों, मैं इसके साथ ये और कहना चाहता हूँ कि अभी अभी जो है प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जब ये भाषण देते हैं तो गर्व से कहते हैं कि BSNL आगे बढ़ रहा है, BSNL आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज स्थिति कैसे ये हुआ, स्थिति कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री जी, जो पहले प्रधानमंत्री जी थे वो प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोलते नहीं थे, उनकी शिकायत थी कि नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप क्यों चुप हैं? आज आप क्यों चुप हैं? आपको बोलना चाहिए। जैसा भी हमारे साथी बता रहे थे कि उत्तराखंड के केदारनाथ में जब बाढ़ आता है, जब विनाश आता है, तो BSNL वहां जाती है। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आता है, BSNL सिस्टम को रिस्टोर करने जाता है। साथियों, जहां एक आदमी भी रहता है, 10 आदमी भी रहता है, वहां BSNL सर्विसेज दे रही है। तो आप जो प्रोडक्टिविटी का जो क्लॉज है, उसको BSNL के साथ क्यों जोड़ते हैं, उसके साथ क्यों जोड़ते हैं? क्या एयरटेल वहां जाता है, क्या वोडाफोन जाता है, क्या आइडिया वहां जाता है? नहीं जाता है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन की बात जो कहते हैं, आप अपनी मन की बात सिर्फ मत सुनाइए, आप अपनी सिर्फ मन की बात मत सुनाइए, आप हमारे मन की बात भी सुनिए, आप हमारे मन की बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा साजिश करेगी, सरकार की नीयत में होती है साजिश करने का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार साजिश कैसे करती है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और जो गवर्नमेंट काम करती थी, बाबा साहब को पार्लियामेंट में आने से वही सरकार रोकी, बाबा साहब को पार्लियामेंट में आने से वही सरकार रोकी। मैं ये माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, किस तरह से सरकार की माइंडसेट है। एक तरफ तो कहती है कि BSNL अच्छा है, BSNL आगे बढ़ रहा है, लेकिन BSNL को ये फैसिलिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज हमारे साथी लोग सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के आदर्शों के पे चल के यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अपना डेमोक्रेटिक तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं। क्या सरकार हमें यही कहना चाहती है, ये कह रही है कि आप दूसरा तरीका अपना, क्या दूसरे तरीका अपनाने के लिए हमें मजबूर कर रही है सरकार? तो अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और जो भी लोग नुमाइंदे हो सेक्रेटरी DOT, ये BSNL के लोग आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये एक थ्रिलर है। अभी ड्रामा पूरा बाकी है, अभी पूरा ड्रामा बाकी है, हम अभी पूरा ड्रामा भी खेलेंगे, ये थ्रिलर है। और इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक सिंबॉलिक लोग आए हुए हैं, 2 लाख कर्मचारी अधिकारी BSNL के अंदर है, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख हमारे पेंशनर है। BSNL की तादाद बहुत भारी है, BSNL की संख्या भारी है। अगर सरकार और हमारे मंत्री जी मनोज सिन्हा जी, प्रधानमंत्री जी, आप अपना दिल को बड़ा करिए और हमारे दिल की बात सुनिए, हमारे इन भाइयों के दिल की बात सुनिए, इनके परिवारों के बात सुनिए। और नहीं तो ये हमारे जो BSNL के लोग हैं, ये करीब करीब 10 लाख जो हमारा परिवार है BSNL का, ये परिवार आगे आने वाले 2019 में आपको सबक सिखाएगी। मैं आज यहाँ के स्कूल से ये मैं ऐलान करता हूँ और इसके साथ में आह्वान करता हूँ कि आप अपने लीडर पे भरोसा करिए, लीडर पे भरोसा करना होगा। आज ये स्थिति करो या मरो की है। अगला पेरी विजन 2027 में होने वाला है, एनडी राम भी 25 में रिटायर हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो सारे लोगों के लिए ये लास्ट पेरी जीवन है।
मरो और मरो की नीति के साथ आगे चलते नेता पे भरोसा करके आप चलिए उनके आदेशों को पालन करिए। जैसा सीनियर साथियों ने बताया वर्क टू रूल चलेगा, कैसे चलेगा प्रहलाद राय जी ने अच्छी तरह से बता दिया है, उसमें भी करना है और आगे जो भी रणनीति होगी आप उसको अमल में लाइए। साथ दीजिए नेता का और आपकी मांगे पूरी होगी, हम इसमें सफल होंगे, सफल होंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता और इसके साथ एक बार फिर से आप सभी साथी जो हमारे आए हुए सभी जगह से एक बार फिर से बधाई के पात्र देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके डिमांड को बिल्कुल मनवा के रहेंगे और हम मरते तब तक लड़ेंगे। अगला जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं, लाठी गोली खाने के लिए तैयार हैं और आप लोग हमें आश्वासन दीजिए कि आप लोग भी तैयार हैं। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम जरूर जंग जीतेंगे, जरूर जंग जीतेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं रवि श्री वर्मा जी को यहाँ बुलाऊंगा।